ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बनाना ले रही हूँ। बनाना में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को यंग एंड यूथफुल रखता है। स्किन की जो डलनेस होती है उसको भी दूर करता है, स्पॉट्स को हटाता है, ब्लेमिश को दूर करता है। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन। ये पैक आपके फेस को रिंकल फ्री बना देगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं क्वार्टर बनाना ले रही हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक एग योक लूंगी। एग जो होता है हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी, अगर आपकी ड्राई है तब भी, इट इज़ वेरी गुड। और योक में जो है फ्रेंड्स, फैटी एसिड होता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारे रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के साथ भी ये फाइट करता है। और मैं अपने चैनल पे फ्रेंड्स आपके साथ वही होम रेमेडीज शेयर करूंगी जो मैंने खुद ट्राई की हैं एक मंथ, और जिसके साथ मुझे बेनिफिट हुआ है, मुझे हेल्प मिली है मेरी स्किन के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी हनी हो आप वही यूज़ करें। हनी जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और अब मैं फ्रेंड इस मिक्सचर को मिक्सर में डालकर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं 1 टीस्पून जो है शुगर ले रही हूँ। इसमें मैं 1/2 लेमन डाल रही हूँ। लेमन जो है हमारे फेस के लिए ब्लीचिंग का काम करता है। और इसमें मैं 1 टीस्पून एग एंड बनाना का मिक्सचर जो बनाया था वो मैं इस शुगर में डाल दूंगी। तो ये हमारे फेस के लिए स्क्रब तैयार हो गया है। हमारे फेस को ये एक्सफोलिएट करेगा ताकि जो हमारी स्किन है हमारे फेस पैक के लिए तैयार हो जाए। तो इसको अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स, आप अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लें। अगर कोई भी मेकअप है तो उसको आप पहले साफ कर लें। तो अब यहाँ पर मैं ये स्क्रब ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने फेस पे स्क्रब करूँगी अच्छी तरह, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करूँगी फ्रेंड्स। तो आप अच्छी तरह अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें। अगर फ्रेंड्स आपके ओपन पोर्स हैं तब भी ये जो रेमेडी है आपके लिए बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। अगर आपके फेस पे एक्ने हैं, दिस इज़ स्टिल गुड फॉर यू। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स। तो हम अच्छी तरह अपने फेस को एक्सफोलिएट करेंगे ताकि जो हमारे पोर्स हैं बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन हो जाए, हमारी जो डेड स्किन है वो भी निकल जाए और हमारी स्किन पैक के लिए रेडी हो जाए फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप इस ट्रीटमेंट के और भी अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो एवरी वीक इसको एक बार ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फेस जो है रिंकल फ्री होने लगे। हम फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट तक इसके साथ अपने फेस को एक्सफोलिएट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम कोल्ड वाटर के साथ अपने फेस को रिंस कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक भी प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और अगर और भी आप कुछ जानना चाहते हो, आप कुछ भी नॉलेज चाहते हो ब्यूटी के रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नाउ माय स्किन इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं पैक ले रही हूँ जो मैंने बनाया था एग एंड बनाना का। उसको मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर लगाऊंगी। आप इस पैक की जो है 1-2 लेयर लगाएं, 3 भी लगा सकते हैं ताकि आपका जो पैक है थोड़ा सा थिक हो जाए। और इस पैक को फ्रेंड्स आपको 30 से 45 मिनट्स तक रखना है। आप इस पैक को लगाकर अपना कोई भी काम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स साथ साथ में। यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स लगा ली हैं और अब मैं 30 मिनट्स के लिए वेट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा पैक जो है सूख गया है, बिल्कुल भी मेरे हाथों पे नहीं लग रहा, कोई भी आपको गीला गीला सा नहीं फील हो रहा, बिल्कुल ही ड्राई हो गया है। तो अब मैं अपने फेस को अगेन कोल्ड वाटर के साथ रिंस कर लूँगी। रिंस करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लें। तो
आप ये रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।